अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करते हैं एक नई वीडियो से। अज की वीडियो का साडा टॉपिक है, तुसी लो बजट दे विच कार दे विच ब्रैक्सिट ते एक्सरसाइज किस तरह कर सकते हो। तो इन तुहानू चार टिप्पां दसांगे, चार टिप्पां नाल तुसी एक्सरसाइज कर सकते हो। अज के दौर दे विच जिन्नी महंगाई है, जहरी गल हर बंदा अकैडमी जाना या नैट लगाना अफोर्ड नहीं करता या क्लब ज्वाइन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए लो बजट के जोड़ा अज की वीडियो का साडा टॉपिक होगा, जिन्ना हो सके उन्ना तुम लो बजट के एक अच्छा बैट्समैन बनना सिखाइए। तुम अगर तुम बैट्समैन हो या तुम क्रिकेट का शौक रखते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आओ अज की वीडियो जी स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबी करने बगैर अज की वीडियो जी स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें तुम दसते हैं इन की तुम चीज़ा जरूरत होएगी इन तो की तेजे को मुयसर होना चाहिए। तो आओ चार चीज़ा तुम दसागे इस वीडियो के। पहला है टीकोन के उपर, यानी कि एक तुसी छोटे प्लास्टिक के गिलास लैके या बोतल कट के उन्हों बिगड़ उपर रख के उनके उपर बाल रख के उन्हों नोकिंग करना। दूसरे नंबर से हैगा है बैट के उपर बाल नू टिप्पे करना उनके उपर। तीसरे नंबर के हैगा शैडो शॉर्ट्स। तो चौथे नंबर के हैगा है हैंगिंग बाल। आओ तुम चार तरीका दसते हैं किस तरह इस्तेमाल करना है। ये तुम चार तरीके इस्तेमाल करो तो तुम कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी सीनियर को सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम काफ़ी अच्छे बैट्समैन बन सकते हो अगर तुम जहनी तौर पर अपने जहनी तौर के मुताबिक तुम बैट्समैन बनना चाहते हो। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब जो पहले शैडो शॉट जी वो करते हैं, इन्हें तुम किसी भी किस्म दॉटा लै सकते हो या पुल शॉट लै सकते हो या स्ट्रेट ड्राइव लै सकते हो या फ्रंट फुट ड्राइव लै सकते हो तो या कट शॉट लै सकते हो, जिहड़ियां भी तुहानू जिहड़ियां भी तुसीं करना चाहते हो। मैं इहदे विच जिहड़ी है पुल शॉट ते फ्रंट फुट लाँगा। इहनू शैडो शॉट्स कहिंदे ने। सब तो पहले नंबर वाली थोड़ा पिछे हो जा, तकरीबन दिन दे विच तुसीं तीन दफा या चार दफा इहनू इहदा इस्तेमाल करना है, तुहानू काफ़ी फायदा होगा। दूसरे नंबर के मैं फुल शॉट लाँगा, बैट लजाना बिल्कुल आस्ता नॉर्मल तरीके से, फिर वापस लजाना बैट तेज लजाना फिर आस्ता बिल्कुल लिया। ये चीज़ों का फोर आर्म का जोड़ा है वो तेजे स्ट्रोंग हो गए, वह बनन गए बिल्कुल इस तरह तेज लजाना फिर आस्ता लिया। पहली ड्रिल तो होगी है, तो आओ हम दूसरी ड्रिल का तुम दस दें। तो दूसरे नंबर वाली जी ड्रिल होएगी हैंगिंग बाल होएगी। हैंगिंग बाल का तरीका भी मैं पहलियाँ वीडियो के दसिया, बिल्कुल लो बजट के बनाने का तरीका भी है। तो इन तुम दो पाइप तीन पाइपा की जरूरत है, दो साइड से एक उपर रस्सी ये बन लेना है इस तरह बिल्कुल बाल को, इनू हैंगिंग बाल कहते हैं। तुम बना लेना है घर के भी यूज़ कर सकते हो, इन बना लेना। तो इन भी मैं जिहड़ियां दो ड्रिलां इस हैंगिंग बाल दे विच भी इस्तेमाल करांगा। पहले नंबर वाली जिहड़ी तुहानू मैं दस्सिया बिल्कुल फ्रंट फुट, तो दूसरे नंबर वाली बैक पंच जिहनू बैक पंच कहिंदे ने, वह बैक पंच मैं इन इस्तेमाल करांगा। आओ वीडियो स्टार्ट कर दें। जिहड़ा पहला शॉट है वो बिल्कुल फ्रंट फुट है, दूसरा बैक पंच है, फिर इस तरह ही फ्रंट फुट बैक पंच फ्रंट फुट बैक पंच, इस तरह ही तुसीं इहनू इस्तेमाल करना है बैक फुट ते बैक फुट। जिहड़ी तीसरे नंबर वाली ड्रिल है वो तुहानू दस्सिया सी दो ग्लास होने चाहिए ताकि कोई एक भी होवे ते एक बाल होना चाहिए, बिल्कुल इहदे उपर रख देना। तो आओ इहदा तुहानू तरीका दस दें, थोड़ा नेड़े आ बिल्कुल तुसीं अपने जिथे तुसीं अपना स्टैंस या अपना बैलेंस बना के खड़े होने उनके बिल्कुल एक कदम इनू अगे रख देना बाल में, बिल्कुल इस तरह बाल में रख देना। बिल्कुल जिस तरह बैटिंग स्टाइल के अपने खड़े हो जाने इस तरह खड़े हो जाना, तो फ्रंट फुट अगे कढ के इस तरह फ्रंट फुट अगे कढ के बाल में हिट करना, तो इनू हिट करना है तुसी जी इस तरह ही जिस तरह बाल बॉलर डिलीवर करता है ना, तो तुसी अगे निकल के फ्रंट फुट से निकल के खेलते हो इस तरह ही। तुसी समझना भी बॉलर बाल डिलीवर कर रहा, अपने जेहन च ये नहीं रखना भी तुसी जिहड़े ने ग्लासां दे उपर बाल रखा होया, ये जेहन चो कढ देना बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह बाल बॉलर डिलीवर कर रहा बिल्कुल इन जोर दे नाल इस तरह फिर बाल रख लेना, फिर इन जोर दे नाल ऑफ ड्राइव स्टेट ड्राइव
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 3 ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1 ਦਫਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਡਰਿੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਡੀਪ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਟਿੱਪੇ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਦੇ ਬੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟ 'ਤੇ ਬਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਬੈਟ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਕ ਹੋਏਗੀ ਬਾਲ ਬੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਟਿੱਪੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਬੈਕ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੋਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ।